अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज मो। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर के बारे में। सो एज यू नो कि इट इज़ अ बायोकेमिस्ट्री सीरीज़, और इस बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ की ये आई थिंक 5वीं वीडियो है। और इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो बेसिकली रिवाइज करना है कि एसिड बेस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे विद रिस्पेक्ट टू वाटर खासतौर पर उनको रिवाइज किया जाए, बिकॉज जो आगे फर्दर लेक्चर्स आ रहे हैं उसके अंदर हम लोग जो बायोकेमिस्ट्री उसको थोड़ी सी एडवांस में लेके जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बिकॉज वहाँ पर हम लोग टाइट्रेशन कर्स को और इसके अलावा बफर सिस्टम को कि हाउ डज बफर वर्क्स, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। फॉर स्टडिंग दैट आपको एसिड बेस की जो फंडामेंटल है उसको आपको मतलब कि उसकी आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, ठीक है। सो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इन आवर लेक्चर टुडे इज बेसिकली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिस्ट्री में आपके पास दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इररिवर्सिबल रिएक्शंस, या यू गॉट दैट राइट, इररिवर्सिबल, यानी कि इस तरह के रिएक्शंस जिसमें जो रिएक्टेंट है वो ऑलमोस्ट यानी 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी 100%। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने 1 मोल रिएक्टेंट लिया और इस 1 मोल से आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया, और जब रिएक्शन एंड हुआ तो आपके पास मतलब कि जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो आपके पास प्रोडक्ट 0 था और रिएक्टेंट 1 था, लेकिन जब रिएक्शन एंड हुआ तो आपके पास रिएक्टेंट 0 हुआ और प्रोडक्ट जो आपके पास हुए 1 हुआ, मतलब कि 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक और बात, 100% ऑलमोस्ट नहीं होता, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इट्स नियरली 100%, मतलब कि ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता ना केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग HCl को रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, तो क्या होगा कि HCl जितना था उतना ही NaOH से, और NaOH जितना था उतना ही वो HCl से रिएक्ट करके 100% मतलब ऑलमोस्ट 100% जो है वो आपके पास प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। इसके क्या प्रोडक्ट्स होते हैं एग्जैक्टली, सोडियम क्लोराइड प्लस आपके पास होता है वाटर, राइट। अच्छा, सो यहाँ पर क्या हुआ, देखें, जितना फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर 1 मोल से रिएक्शन स्टार्ट किया और ये दोनों 0 थे उस वक्त, लेकिन जब रिएक्शन एंड हुआ तो ये दोनों 1 मोल बन गए और ये आपके पास 0 थे दोनों। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जितना रिएक्शन मतलब कि जितना आपके पास रिएक्टेंट था वो सारा का सारा आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्यों ये कहा कि ये ऑलमोस्ट 100% होता है और 100% नहीं होता है, ये इस वजह से होता है बिकॉज आपको पता है कि ये जो आपके पास रिएक्शंस होते हैं ये आइडियल सिस्टम में नहीं होते, मतलब कि फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ हाइड्रोजन आयंस जो थे वो ऑक्सीजन के साथ मिल गए जो एयर में थी, या कोई साइड रिएक्शन हो गया जिससे आपके पास जो रिएक्टेंट था वो वेस्ट हो गया, मतलब कि इट विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 100%, बट लेकिन ऑलमोस्ट 100% ये जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, सो दूसरे टाइप आपके पास जो दूसरी टाइप है रिएक्टेंट रिएक्शन की, उसको आप लोग कहते हैं रिवर्सिबल। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। 100% तो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट मतलब जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसमें ऑलमोस्ट आपके पास अप टू 5% जो आपके पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अच्छा, इस रिएक्शंस में होता क्या है बेसिकली, तो सिनेरियो समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इन बिटवीन ए बी, ठीक है, विच गिव्स अस सी प्लस डी। अच्छा, एक और बात, जो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसको आप लोग एक कंप्लीट एरो से शो करते हैं, दिस वन, राइट, इस तरह से, राइट। लेकिन जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसको आप लोग डबल एरो से शो करते हैं। इसका ये ऐसा क्यों हुआ उसको आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए इनिशियली होता यह है कि आपने जो ये रिएक्शन स्टार्ट किया वो इस तरह से स्टार्ट किया कि आपके पास 1 मोल ए था एंड 1 मोल आपके पास बी था, और आपके पास ये जो सी और डी थे ये 0-0 थे इनिशियल में, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि जिस तरह से ए प्लस ए बी के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट हुआ और सी और डी बनाने लगा, तो इनिशियली हुआ ये कि ए और बी रिएक्ट किए और सी और डी बनने लगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ से रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इनिशियली रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करने लगी और प्रोडक्ट की जो है वो इंक्रीज करने लगी, ठीक है। अच्छा, एक टाइम ऐसा आता है जब जो है जो सी प्लस डी है वो भी सफिशियंट अमाउंट में बन जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद होता यह कि सी प्लस डी जो है वो वापस ए प्लस बी में टूटने लगते हैं। हाँ जी, इसको कहते हैं रिवर्सिबल, मतलब कि रिवर्स होता है ये रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली ये ए प्लस बी गिव अस सी प्लस डी, लेकिन बाद में हुआ ये कि सी प्लस डी भी वापस ए प्लस बी बनाने लगा। अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये जो सी है सी प्लस डी ये भी वापस जो आपके पास ए प्लस बी बनाने लगा, और अगर इस
पूरे सिनेरियो को कुछ आसान करके लिखें तो हम लोग क्यों कहेंगे कि इनिशियली वी गॉट ए प्लस बी, जिन्होंने सी प्लस डी बनाया, ठीक है, सी प्लस डी, ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि सी प्लस डी आपके पास ए प्लस बी में वापस टू दिया। असल में होता कुछ यूं है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, मतलब कि उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, आपको पता है ना रिएक्शंस क्यों होते हैं? रिएक्शन इसलिए होते हैं कि दो सब्सटेंस जो कि अनस्टेबल होते हैं वो रिएक्शन करने के बाद स्टेबल बन जाते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल मीन ऑफ रिएक्शन। लेकिन चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो आपके पास प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि उनको हम लोग यूँ कहें तो ज़्यादा बेहतर, इट इज़ अनस्टेबल, राइट? सो वापस वो रिएक्टेंट्स में टूटने लगते हैं। अच्छा, ये दो हुआ, मतलब ए प्लस बी पहले मिलकर सी प्लस डी बना, फिर वापस इसका रिवर्स हुआ। अब अगर इन दोनों रिएक्शन को हम लोग मिला लें तो हम लोग कुछ यूँ लिखेंगे कि पहले ए प्लस बी जो है वो सी प्लस डी में कन्वर्ट हुए और बाद में हुआ ये कि सी प्लस डी वापस ए और बी में टूट गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो दो किस्म के रिएक्शन आपको नजर आएंगे, ए प्लस बी गिव अस सी प्लस डी और सी प्लस डी गिव अस ए प्लस बी। अच्छा, ये जो ये वाले रिएक्शन है जिसमें ए बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, और इसको हम लोग कहते हैं एग्जैक्टली बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, यानी पीछे की तरफ। अच्छा, सो यहां पर एक लॉ आता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन। वो लो ये कहता है कि किसी भी चीज़ का रेट ऑफ रिएक्शन, वो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जिसको आप लोग डी एक्स ओवर डी टी कहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस चीज़ के एक्टिव मास से, एक्टिव मास, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की इस्तेमाल में यूँ स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। अच्छा, एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास का मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट का वो मास जो कि एक्चुअल में रिएक्ट कर रहा होता है। नहीं समझे, मतलब कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का वो मास जो कि एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि ये आप पानी लीजिए, जब भी आपको कोई एग्जांपल चाहिए हो पानी ले लें, सिंपल। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक आपको पता है ना कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक है, उसके बड़े बड़े चंक होते हैं केजीज के, मतलब कि वैसे तो बहुत, मतलब टन्स के हिसाब से होते हैं, लेकिन आप एक काम करें, आप केजी वाला एक सॉल्ट का जो है वो एक चंक ले रहे हैं, उसको आप लोग एक काम करें, उसको आप लोग पानी में डाल दें। फॉर एग्जांपल ये जो है ये रहा। अच्छा, सो मेरा सवाल ये है, क्या इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये सरफेस के NaCl के मॉलिक्यूल इस पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, या इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिन तक पानी पहुंच भी नहीं सकता वो भी रिएक्ट कर रहे हैं? सरफेस के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो इस वक्त इस NaCl के चंक का एक्टिव मास क्या होगा? एग्जैक्टली उसके सरफेस के जो NaCl के जो आयंस हैं, मतलब कि वो जो सॉल्ट्स के ऊपर के क्रिस्टल्स हैं, वो उसका एक्टिव मास होंगे। तो मतलब कि किसी भी रिएक्शन में उस रिएक्टेंट का वो हिस्सा जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसको आप लोग एक्टिव मास कहते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, मतलब कि कोई भी चीज़ उतनी तेजी से या उतना ज़्यादा रिएक्ट करेगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट है वो कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका एक्टिव मास कितना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस लॉ को इस पूरे सिनेरियो पे लगा दें, लेकिन फॉर दैट आई नीड अ लिटिल बिट स्पेस, तो आई एम गोइंग टू इरेज दैट, आई होप सो यू हैव नोटेड दैट, इफ यू हैव, ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, ओके। सो व्हाट डज लॉ ऑफ मास एक्शन इज गोइंग टू, मतलब कि किस तरह से ये इस पर अप्लाई होगा? फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपको पता था कि यहाँ हमारे पास दो रिएक्शंस थे ना, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर भी दो रिएक्शन थे, एक को आप लोगों ने कहा था फॉरवर्ड, ठीक है, जो कि कुछ यूं था कि ए प्लस बी गिव अस सी प्लस डी, ठीक है। अच्छा, अगर इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो ये कहेगा कि जो डी एक्स अवर डी टी है, या इन शॉर्ट ये कि जो डी एक्स अवर डी टी ऑफ राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है, इनटू एक्टिव मास ऑफ बी, राइट। इसी तरह से आपके पास एक बैकवर्ड रिएक्शन भी था, कुछ लोग इसको रिवर्स कहते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी कह दें, रिवर्स भी कह सकते हैं, बैकवर्ड भी कह सकते हैं, मेरे लिए ज़्यादा, मतलब कि याद रखने के लिए मुझे थोड़ा सा ये आसान रहता है बैकवर्ड फॉर्म में, बिकॉज मिलता है ना, इनके जो सफेक्स हैं वो मिलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ लगाएं तो आपको पता है कि रिएक्शन जो था वो कुछ यू था कि जो सी प्लस डी है वो रिएक्ट करता है और बनाता है ए प्लस बी। तो यहां पर जो आपके पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा
राइट, सो वो इक्वल होगा किसके, सॉरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी, राइट। अच्छा, सो इस इक्वेशन को फर्दर लेके जाने के लिए मुझे अगेन ये मिटाना पड़ेगा, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, राइट। ओके, तो इन दोनों जो आपके पास इक्वेशंस थी, इनको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं और हम लोग इक्वालिटी के साइन को लेके आते हैं। आपको पता है कि जब कभी भी आपने इक्वालिटी लेके आनी होती है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से फॉरवर्ड मतलब सिर्फ और सिर्फ एफ लिख रहा हूँ, तो आपने कोई कॉन्स्टेंट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं के एफ, राइट, ठीक है। और जो के है मतलब के जो फर्दर इक्वेशन थी वही कहती थी कि कंसनट्रेशन ऑफ ए मतलब के एक्टिव मास ऑफ ए। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, एक्टिव मास, राइट। आप इसको कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन मींस दैट नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, राइट। अच्छा ओके, तो दूसरा जो आपके पास इक्वेशन थी उसको हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ फॉर बैकवर्ड रिएक्शन सॉरी बराबर होता है के बी सी इंटू डी के। ओके, सो फॉर एग्जांपल इसको मतलब इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं कि इस इक्वेशन को नाम देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर टू और इसको नाम देते हैं, अच्छा मतलब कि ये इक्वेशन नंबर टू और ऊपर वाली इक्वेशन नंबर वन था। यहाँ पर आपने एक बहुत खूबसूरत चीज समझनी है, उसको आप लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट कह लें इसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस रेट कह लें, रेट यानी डी एक्स अवर डी टी रिएक्शंस रेट यानी डी एक्स अवर डी टी। बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें होता कुछ यूं है कि पहले ए प्लस बी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और सी प्लस डी बनाते हैं, फिर बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होता है जब जब आपके पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती है, और होता यह है कि जो सी प्लस डी वो वापस टूटते हैं किसमें, ए प्लस बी में। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट बराबर हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के, मतलब कि जितना ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बन रहा था उतना ही सी प्लस डी मिलकर ए प्लस बी बनने लगेगा। इसकी एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये आपके पास एक बकेट है, दिस इज अ बकेट, फॉर एग्जांपल ये जो बकेट है ये एक नलके से या एक टैप से जुड़ी हुई है, ठीक है, और उस टैप से कुछ कुछ करके पानी आ रहा है, जितना पानी यहाँ से आ रहा है इस नलके से इस टैप से उतना ही पानी, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक होल कर देता हूँ, यहाँ से उतना ही पानी जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस बकेट के जो वाटर लेवल है उस पर कोई फर्क पड़ेगा, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, नहीं ना। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बकेट है ये किस में आ गई है, ये एक्विलिब्रियम पे आ गई, किस पे आ गई है, ये एक्विलिब्रियम पे आ गई है, एक्विलिब्रियम मतलब कि ये स्टेबल हो गई है। इस तरह से ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये एक पॉइंट के ऊपर स्टेबल हो जाते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि जहां पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन और दिस कंडीशन, दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, हम लोग ऊपर वाली इक्वेशंस हैं इसको पुट करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन, तो वो क्या है, वो है के एफ इंटू ए बी इक्वल्स टू के बी इंटू सी कंसेंट्रेशन इंटू डी कंसेंट्रेशन, राइट। अब हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं और इस के बी को यहाँ ले आते हैं और ए इंटू बी को वहाँ ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू सी इंटू डी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, अगर मैं इस के एफ और के बी, बिकॉज दोनों कॉन्स्टेंट है ना,
हम लोगों ने इसको क्यों लगाया, क्योंकि हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया। तो मैं इस के एफ और के बी को हटाकर एक सिंपल वन कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ, उसको मैं कहूँगा कि वो आपके पास है के, के इक्वल्स टू व्हाट एग्जैक्टली सेम अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। तो यहां पर ये जो आपके पास के है, के 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 मैन के, दिस के, दिस के इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अक्सर हम लोग उसको केसी के नाम से जानते हैं। वो केसी क्या होता है? केसी मींस दैट के जब आपके पास जो यहाँ पर ये एक्टिव मास है, इसकी जो आपके पास यूनिट है वो एन अपॉन एल हो, मतलब कि कंसेंट्रेशन हो, सी हो, वो जो सी है वो यहाँ से आता है। सो दैट्स वाई इसको हम लोग केसी भी कह सकते हैं, अगर ये जो एक्टिव मास है ये आपके पास कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी यानी एन अपॉन एल में शो हुआ हो। सो दिस वॉज एक्चुअली इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ बेसिक्स आपको मैंने रिवाइज करा दी कि बेसिकली होता क्या था। अब आइए डायरेक्टली मूव करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री के ऊपर और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या था। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये कहाँ से आया। सो ये बिकॉज ये जो के है ये आगे जाके हम लोग देखेंगे कि के ए भी आएगा, के बी भी आएगा, के डब्ल्यू भी आएगा। वहाँ पर मैं ये तमाम एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि हुआ क्या, आपको सिनेरियो समझ आना आ जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्ट मैं ये कहूँगा कि जो के ए है वो इसके बराबर है और आपको ये पूरा समझ आना चाहिए कि बेसिकली हुआ क्या था, कि किस तरह से ए प्लस बी इनिशियली रिएक्ट किए थे, सी प्लस डी बना था और फिर पूरा प्रोसेस आपको रिवाइज होना चाहिए। भाई ये बात करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री के ऊपर डिटेल के अंदर। सो जो एसिड बेस केमिस्ट्री वो स्टार्ट हुई थी एक साइंटिस्ट से जिसका नाम था आपके पास फिराडे, द फेमस मिस्टर फिराडे, माइकल फिराडे। फिराडे ने इनिशियली कहा था कि जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मींस दैट कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो आपके पास सॉल्वेंट हो वो कौन हो, एक्वस मींस एक्वा मीन वाटर, H2O, राइट। अच्छा, फिराडे ने कहा था कि जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। नंबर वन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि जो के इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर सकते हैं, और दूसरे होते हैं एग्जैक्टली नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ऐसे जो के ई को कंडक्ट नहीं करते। अच्छा, फर्दर इसने कहा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी तीन फर्दर टाइप्स होती हैं। नंबर वन एसिड्स, राइट। नंबर टू बेस एंड नंबर थ्री इज योर सॉल्ट। अच्छा, ये टाइप्स किस बेस के ऊपर, मतलब कि अगर आप एसिड बेस या सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर तो वो सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, मतलब कि वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। ये आपके पास तीन टाइप्स थी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। फर्दर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इसने बताया फिराडे भाई ने, उसने ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर की बेस के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी दो किस्में होती हैं। एक को आप लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक एसिड्स, वीक बेस एंड वीक सॉल्ट्स। अच्छा, अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस वीक। अच्छा, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है, स्ट्रॉन्ग इट मीन्स दैट कि ऐसी चीजें या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो सकते हो, डिसोसिएशन यानी जिनका अल्फा, जिसको आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कितना हो, वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो, ऑलमोस्ट। लेट मी चेंज दिस इक्वालिटी विद अप्रोक्सीमेटी, बिकॉज आपको पता है कि केमिस्ट्री में कुछ भी या साइंस में कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता, बिकॉज हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई साइड रिएक्शन इसमें से निकल आता है, मतलब कि कोई भी रिएक्शन इन शॉर्ट ये समझें कि 100% नहीं होता। रही बात यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, इसको हम लोग लेटर ऑन जाके अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 100% अपने प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के, फॉर एग्जाम्पल जो HCl और NaOH का रिएक्शन होता है, because as we know के both of them are strong acid and strong base, तो ये 100% almost 100% dissociate होते हैं into
NaCl प्लस वाटर के अंदर, मतलब कि इस तरह के रिएक्शन का जो, मतलब कि इस तरह के सब्सटेंसेस का जो कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका जो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो 1 होता है। अब ये होता है क्या, एज आई सेड दैट उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, मतलब कि इनका जो डिसोसिएशन है वो 100% होती है। इस तरह से कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं। अच्छा, एक और बात, जो कि स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके रिएक्शंस का जो टाइप होता है वो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल। ऑन द अदर हैंड, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इट मींस दैट कि उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 5%। ये इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इस तरह से हमारे पास एग्जांपल के तौर पर, हमारे पास फॉर एग्जांपल, अगर आप जो CH3 है, CH3COOH, जिसको आप लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, अगर आप इसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करवाएंगे तो इसकी जो डिसॉल्वेशन होगी वो जो रिवर्सिबल होगी, मतलब कि वो कम्प्लीटली अपने प्रोडक्ट्स में टूटेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो इसका प्रोडक्ट होता है वो होता है एसीटेट आयन CH3COOH और एक प्रोटोन, ये इसका प्रोडक्ट है। मतलब कि एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज अ वीक एसिड, मतलब कि ये 100% या कम्प्लीटली अपने प्रोडक्ट्स में डिसोसिएट या फिर टूटता या फिर डिसॉल्व नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिस तरह से आपके पास यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे उनका जो अल्फा था वो 1 था, इसका जो अल्फा होता है, मतलब कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका जो अल्फा होता है, मतलब उसके जो टूटने की जो डिग्री होती है, जिसको आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 0.05 या उससे कम होती है। इट्स 5, राइट, इट्स 5.05 या उससे कम। अच्छा, सो जो स्ट्रॉन्ग थे उनका था इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब उनके रिएक्शंस इरिवर्सिबल थे, इसके एग्जैक्टली रिवर्सिबल। मतलब के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इनके जो रिएक्शंस होते हैं उसमें आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब के एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जो आपका रिएक्शन है वो रुक जाएगा, मतलब इसकी जो डिसोसिएशन है वो रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर इस केस की बात करें, एसिटिक एसिड के केस की बात करें, तो एट फर्स्ट होगा क्या, एज वी नो कि जो आपके पास एसिटिक एसिड है वो टूटेगा एसीटेट आयन में और प्रोटॉन में, और फिर कुछ देर बाद जब ये आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, ये बैकवर्ड मूव करेंगे, और बैकवर्ड मूव करने के साथ साथ एसिटिक एसिड दोबारा बनने लगेगा, और ये तब तक बनने लगेगा जब तक क्या होगा, एग्जैक्टली दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर नहीं हो जाता। उस पॉइंट को आप लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट को आप लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम, यानी कि इसके इक्विलिब्रियम भी होंगे और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिखने की कोशिश करें, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल, KC अगर इसका लिखें, KC इक्वल्स टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, मतलब कि CH3COO नेगेटिव, ठीक है, एंड देयर इज वन, लेट मी इरेज अ लिटिल बिट, प्रोटॉन, राइट, एंड एट द बॉटम वी गॉट व्हाट वी हैव, एसिटिक एसिड CH3COOH। सो ये आपकी रेट इक्वेशन है इस वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इस केस में हमारे पास एसिटिक एसिड था। तो ये था स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, और आई होप सो कि आपको इन दोनों के दरमियान का जो फर्क है वो आपको समझ आया होगा। सो अब आइए डायरेक्टली मूव करते हैं एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो उसके ऊपर तीन थ्योरीज थी उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, और उनके मुताबिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो तीन साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड्स बेस के बारे में क्या कहा था, कि वो क्या होते हैं, और उसके ऊपर आइए उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था एरिहिनियस, उनका नाम था एरिहिनियस। एरिहिनियस स्पेलिंग शायद थोड़ी सी गलत हो सकती है, बिकॉज लेट मी टेल यू आई एम नॉट गुड एट स्पेलिंग, बट एक्चुअली आई एम वेरी बैड इन स्पेलिंग, ठीक है, एरिहिनियस। तो सबसे पहले हम लोग एरिहिनियस थ्योरी को स्टडी करते हैं कि एरिहिनियस ने क्या कहा था। सो मिस्टर एरिहिनियस ने यह कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस मीडियम में पॉजिटिव आयन फर्निश करें, और ओनली वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन्स, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस मीडियम में नेगेटिव आयन्स फर्निश करें।
और एग्जैक्टली यहाँ पर भी ओनली वन टाइप. ये क्यों? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर एक सब्सटेंस एक से ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव आयन फर्निश करता है तो वो एसिड या बेस नहीं होगा, वो सॉल्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की. फॉर एग्जाम्पल देर इज NaHCO3. तो ये जब टूटेगा, हालांकि ये भी एक वीक है ना, तो ये जब टूटेगा तो यहाँ पर वन सोडियम पॉजिटिव, वन प्रोटॉन राइट एंड वन कार्बोनेट आयन, वन कार्बोनेट आयन. अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर दो किस्म के पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू अरहेनियस वो एक किस्म का पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करे, उसको आप लोग कहेंगे कि वो जनाब एसिड है. और ऑन द अदर हैंड बेस एक किस्म का नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करे. सेम केस के अगर मोर देन वन टाइप ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो बेस नहीं बल्कि वो उसको आप लोग सॉल्ट की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे. और एसिड्स में मोस्टली जो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसमें आपके पास उसने जो जिक्र किया था वो एच पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स का किया था, और नेगेटिव में एग्जैक्टली ओ एच नेगेटिव राइट. तो ये था आपके पास अरहेनियस का कॉन्सेप्ट. अब आइए बात करते हैं इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जो इसकी एडवांसमेंट में आप लोग कह सकते हैं, विच वॉज ब्रॉन्स्टेंट एंड लोरी थ्योरी. ब्रॉन्स्टेंट था या ब्रॉन्स्टेंट था, कुछ था ब्रॉन्स्टेंट लोरी थ्योरी. इन्होंने ये कहा, किसने? ब्रॉन्स्टेंट एंड लोरी ने, ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने ये कहा कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस मीडियम में एच पॉजिटिव आयन डोनेट करें, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस मीडियम में एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करें. कैसे? फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं तो आप देखें कि HCl एक एसिड है राइट. अगर आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं तो ये यहां पर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा. फॉर एग्जांपल H3O पॉजिटिव, जिसको आप लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है, मतलब कि इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया एक नेगेटिव आयन के अंदर. और ऑन द अदर हैंड अगर आप यहां देखें तो H2O है, ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेस शुड एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो इसने देखें एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया. यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी HCl इज एन एसिड राइट. Why it is an acid? Because it is donating H positive ion. And according to this concept, water is acting as a base. Why? Because it is accepting a proton. And in case of base, यानी अगर आप base को react करवाएं aqueous medium में, so for example NH3 जिसको आप लोग ammonia कहते हैं, it's a base, ठीक है. अगर आप इसको H2O में dissolve करें, because ये naturally gaseous form में exist करती है, ठीक है, तो ये convert हो जाएगी into NH4 positive plus H2O, यानी OH negative, right? यहां देखें तो इट इज व्हाट, इट्स अ बेस राइट. यानी कि इट इज अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट शुड एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. देखें इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गई. एंड ऑन द अदर हैंड H2O इज एक्टिंग एज अ एसिड, और एसिड क्या होता है जो कि H2O जो कि H पॉजिटिव आयन को डोनेट किया, इसने डोनेट किया और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया. लेकिन यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा कंसेप्ट आप लोग अगर देख सकें तो इस H2O को देखें और इस H2O को देखें. मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों के कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है. अगर इस केस में देखें, ऊपर वाले केस में, तो जो आपका H2O है, इस केस में H2O इज एक्टिंग एज अ बेस. एंड इस केस में देखें तो H2O इज एक्टिंग एज अ एसिड. व्हाई? बिकॉज यहां पर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस हो गई, यहां पर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो एसिड हो गया. यानी के ब्रॉन्स्टेड लोरी भाई साहब दोनों ने मिलकर हमें बताया कि जो एसिड और बेस कॉन्सेप्ट है, यानी किसी भी चीज़ का एसिड या बेस होना, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब के ये डिपेंड करता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब के ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ रिएक्ट किसके साथ कर रही है, विच इज रिएक्टिंग, विच इज एक्टिंग. यानी कि यहां पर वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वाटर बेस बन गया, और यहां पर वाटर से वीक एसिड था विच इज वाटर से स्ट्रॉन्ग बेस थी तो ये एसिड बन गया. यानी कि किसी भी चीज का एसिड या बेस होना ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है. आप लोगों ने देखा वाटर कैन बी एन एसिड एंड इट कैन बी अ बेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बताया, वो ये बताया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का. इन्होंने ये बताया कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का. मैं इस रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को यहाँ पर छोड़ देता हूँ.
अच्छा, इन्होंने एक और कंसेप्ट बताया विच वॉज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? नाउ आई वॉन्ट टू फोकस यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस के अंदर इस HCl के ऊपर और इस NH3 के ऊपर। HCl एक प्रोटॉन डोनेट करता है और क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, और NH3 एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को इस तरफ से देखें, बिकॉज यहाँ से यहाँ तो हम यहाँ से देख रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ से देखें, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ये दोनों रिएक्शन जो है वो 100% हो सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग, राइट? आई थिंक अमोनिया थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन हम लोग सपोज करते हैं कि दोनों ये स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब कि कंप्लीटली ये कन्वर्ट हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट में। लेकिन 0.001% तो ये होगा ना कि H3O पॉजिटिव रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और वापस HCl और H2O बनाएगा, एंड अमोनियम आयन और OH आयन रिएक्ट करके वापस NH3 और H2O बनाएंगे। आई नो कि बहुत थोड़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा तो होगा ना, तो उस थोड़े से को एज्यूम करते हैं कि क्या होगा। यानी कि यहाँ पर देखें तो क्लोरीन आयन अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन आयन यहाँ पर एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है। देखें, क्लोरीन आयन इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन, मतलब कि दिस क्लोरीन आयन इज एक्टिंग एज अ बेस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बिकॉज प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करता है? बेस, राइट? अच्छा, सो अगर आप इस नीचे वाले केस को देखें, अमोनिया इज कन्वर्टिंग इनटू अमोनियम आयन एंड OH आयन, तो यहाँ पर ये जो अमोनियम आयन है ये यहाँ पर एक प्रोटॉन डोनेट करता है और अमोनिया में कन्वर्ट होता है, मतलब कि इन दिस केस जो अमोनिया है इट्स एक्टिंग एज एन एसिड, मतलब कि एसिड और इसकी कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूं, ये एसिड है और ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस, दिस इज द बेस विथ वन कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली ये बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट और बेस, कॉन्जुगेट बेस और एसिड में क्या फर्क होता है? देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क होता है। एक चीज आप याद रखेंगे, के फॉर कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, एंड फॉर कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड के केस में आप लोगों ने एक काम करना है, क्या आपने बेस में, क्या आपने बेस में एक H पॉजिटिव आयन जोड़ देना है, जोड़ मतलब मिलाना, उर्दू वाला जोड़, राइट, हिंदी वाला जोड़। और कॉन्जुगेट बेस के केस में आपने एक काम ये करना है कि आपने एसिड में एक प्रोटॉन जो है वो तोड़ देना। ये तोड़ और जोड़ मैंने असल में इसलिए यूज किया ताकि आपको याद रहे, यानी फॉर मेकिंग अ कॉन्जुगेट एसिड यू हैव टू एड अ प्रोटॉन इनटू अ बेस, रियल बेस, एंड फॉर मेकिंग अ कॉन्जुगेट बेस यू हैव टू रिमूव और तोड़ अ प्रोटॉन फ्रॉम एन रियल एसिड। तो ये था ओवरऑल ब्रॉन्स्टेंट एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट। इसमें आपको बात याद ये रखनी है कि एसिड क्या होते हैं जो कि डोनेट करते हैं, और जो कि बेस वो होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं, क्या, प्रोटॉन। ऑन द अदर हैंड आपने ये याद रखना है कि एसिड एंड बेस इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपने यहाँ पर देखा H2O इज एक्टिंग एज अ बेस एंड हियर इज एक्टिंग एज अ एसिड। और दूसरा आपने याद ये रखना है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कि कोई भी चीज़ एसिड और सॉरी जो एसिड्स हैं उनके कॉन्जुगेट बेस होते हैं किस तरह से बनती है, आपने उस बेस में उस एसिड में जो H पॉजिटिव आयन उसको रिमूव करना है, ठीक है, और जो बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है वो क्या होता है कि आपने उस बेस में H पॉजिटिव आयन को हुए वो जोड़ देना है। अब आइए बात करते हैं लेविस थ्योरी, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। सो भाई, ये बात करते हैं लेविस थ्योरी के बारे में, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं। लेविस ने बहुत सिंपल काम किया, लेविस ने ये कहा कि एसिड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, और बेस वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। वेरी सिंपल, और ये आज तक का मोस्ट एडवांस्ड कंसेप्ट है रिगार्डिंग एसिड बेस पेयर, मेरे मुताबिक मोस्ट एडवांस, शायद इससे एडवांस आया हो मुझे इल्म नहीं है, मोस्ट एडवांस, लेकिन आपको ये बात मैं श्योर कर सकता हूँ कि कंसेप्ट समझने के लिए इतनी एडवांसमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर ना होगा। अच्छा, एसिड वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख, अच्छा, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कब करेंगे, मतलब कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कब करेगा, जब भी उसके अंदर क्या होगा, वैलेंस फ्री ऑर्बिटल,
आई होप सो कि आपको ऑर्बिटल का मतलब समझ आता होगा. एक होता है ऑर्बिट और उसका छोटा होता है, मतलब कि उसके अंदर जो पोर्शन होते हैं ऑर्बिट के अंदर, उसको आप लोग ऑर्बिटल कहते हैं. अच्छा, वैलेंस ऑर्बिटल मतलब कि एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके अंदर आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट. सो उस पूरे के पूरे ऑर्बिटल में, मतलब कि पूरा का पूरा जो ऑर्बिटल है वो फ्री होगा, और उसके अंदर एक दो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रहे हैं, राइट, उसके लिए जगह होगी. और ऑन द अदर एंड बेस वो होते हैं, ठीक है, जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं. लोन पेयर, ठीक है. लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर क्या होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर जो कि एक एटम जो कि फ्री होता है, या फिर वो किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा होता है जिसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो कि उसका अपना होता है, मतलब कि टू अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन विच आर लिविंग टुगेदर इन द सेम ऑर्बिटल इन साइड द वैलेंस शेल ऑफ द सेम एटम इज नोन एज वैलेंस लोन पेयर, राइट, ठीक है. अच्छा, सो इसका रिएक्शन एक बड़ा मजेदार सा रिएक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सब्सटेंस है जिसको आप लोग कहते हैं BF3, जिसको आप लोग कहते हैं बी 3F, ये बोरोन है, राइट. इसके अंदर एक जो ऑर्बिटल है वो खाली होता है. एंड ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनिया NH3, इसके अंदर आपके पास एक लोन पेयर, बिकॉज आपको पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यहां पर लग गए, 2 बाकी हो गए. अब यहां पर जो लोन पेयर है इट इज गोइंग टू बी डोनेटेड बाय दिस अमोनिया एंड एक्सेप्टेड बाय दिस BF3, यानी कि लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मतलब कि ये क्या हुआ, लोन पे डोनेटिंग, एग्जैक्टली, बेस. और ये क्या हुआ, एसिड. सो दिस वाज द लेविस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉन थ्योरी जिसको आप लोग कहते हैं, और इट इज द मोस्ट एडवांस्ड वर्जन. लेकिन ये तो थ्योरीज थी, राइट, बट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि हकीकत में क्या चीज बेस होती है और क्या चीज एसिड होती है. मैं फ्यूचर में इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी हिंट देता हूं. वो हिंट ये है, या फिर वो स्टेटमेंट ये है कि एसिड आर सच सब्सटेंसेस विच हैव स्टेबल एनायन. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप सुने. एंड बेस आर सच सब्सटेंसेस विच हैव स्टेबल केटायन, मतलब कि ऐसी चीजें जिनके एनायन स्टेबल होते हैं उनको आप लोग एसिड्स कहते हैं, और ऐसी चीजें या ऐसे सब्सटेंस जिनके केटायन्स स्टेबल होते हैं उनको आप लोग बेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल HCl विद वाटर एंड NH3 विद वाटर. तो अकॉर्डिंग टू रियल कंसेप्ट, ठीक है, एसिड क्या होता है जिसका एग्जैक्टली एनायन मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, और केटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है. यानी कि HCl इज एन एसिड, इसका जो एनायन है वो स्टेबल होता है, मतलब के इट विल बी लाइक दैट. एनायन नेगेटिव चार्ज, NH3 बेस है, मतलब के इसका केटायन स्टेबल होता है, केटायन. इफ यू आर सीइंग दैट, तो यहां पर जो एसिड है वो एनायन बना रहा है और बेस जो है वो केटायन बना रहा है, और इस एनायन और केटायन बनाने के अमल में इसको इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ते हैं, इसको कभी कभार एच पॉजिटिव आयन लूज करने पड़ते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करना या फिर प्रोटॉन लूज करना या फिर एक्सेप्ट करना, ठीक है, ये एक सिनेरियो है, ये एक नजरिया है, ये एक देखने का अंदाज है, ये एक साइड रिएक्शन है, ये कॉज नहीं है. कॉज क्या है? कॉज ये है कि एसिड विच हैव स्टेबल एनायन एंड बेस विच हैव स्टेबल केटायन, राइट. सो दिस वॉज ऑल linked with acid base concept. अब आइए बात करते हैं dissociation constant, जिसको आप लोग ionization constant कहते हैं, जिससे बाद में हम लोग Ka, Kb और Kw को link करवा कर इस lecture को खत्म करते हैं या discussion को start करते हैं. सो अब आइए बात करते हैं dissociation constant या फिर ionization constant के ऊपर. सो what is that basically, right? So it's that के equilibrium constant, yes, equilibrium constant of weak electrolytes. Of weak electrolyte is called as ionization constant. मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि वीक होते हैं उनके equilibrium constant को हम लोग ionization constant या फिर dissociation constant कहते हैं. For example, हम लोग यहां पर acetic acid को again consider करते हैं, because जब हम लोग इस एक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने अक्सर आती रहेगी. एसिटिक एसिड, ठीक है, आपको पता है कि इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, और ये फिर कन्वर्ट होता है इनटू एसीटेट आयन एंड वन प्रोटॉन.
अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, मोस्टली जब हम लोग इस तरह की इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग प्रोटॉन की जगह पर हाइड्रोनियम आयन कंसीडर करते हैं, मतलब कि प्रोटॉन की जगह पर हम लोग हाइड्रोनियम आयन लेते हैं, एंड इट्स अ राइट वे. व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है. ये जब ये प्रोटॉन किसी भी एक्वस मीडियम में रिलीज होता है तो ये जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ये किसी H2O के मॉलिक्यूल के साथ या किसी और मॉलिक्यूल के साथ, मोस्टली एक्वस मीडियम में H2O के फ्यूल के साथ रिएक्ट करता है और इन टर्म्स ये क्या बनाता है, एग्जैक्टली हाइड्रोनियम आयन. सो दैट्स वाई हम लोग के H पॉजिटिव की लाइफ, H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, बिकॉज आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है. H पॉजिटिव मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक प्रोटॉन रह गया ना, तो एक प्रोटॉन, सो दैट्स वाई H पॉजिटिव. उसकी लाइफ कम होती है, इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन. तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, H3O पॉजिटिव, सॉरी CH3COOH जिसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, ये रिएक्शन करता है, ठीक है, और इट टूटता इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, नॉट प्रोटॉन. अच्छा, सो एज यू नो कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी जो डिसोसिएशन होगी वो इनकम्प्लीट होगी, ठीक है, और ये जो आपके पास एसिटेट आयन और प्रोटॉन ही वापस रिएक्ट करके वापस एसिटिक एसिड बनाएंगे. और अकॉर्डिंग टू, अगर आपको याद हो तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग रिवर्सिबल रिएक्शन, कि इसका जो इक्विलिब्रियम आएगा तो उसके ऊपर उसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट था, याद है आपको, कैसी, तो इसका जो कैसी है वो बराबर होगा CH3COO नेगेटिव की कंसेंट्रेशन के, ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन के, एंड डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इटसेल्फ. अच्छा एक और बात, ये कंसेंट्रेशन किस वक्त हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसेंट्रेशन विल ओनली बी कंसीडर्ड एट इक्विलिब्रियम. जो कंसेंट्रेशन आप लोगों ने लेनी है ये एट इक्विलिब्रियम लेनी है, स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन नहीं लेनी है. आपको पता ना कि स्टार्ट में ये 1 होगा या मैक्सिमम होगा और ये 0 होगा, और जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये जो है वो बनेगा और फिर ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कि उस पॉइंट के ऊपर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाए, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाए, उनका रेट जो है वो सेम हो जाए, उस टाइम के ऊपर आपने कंसेंट्रेशन पिक करनी है इन तमाम सब्सटेंसेस की. तो ये जो कैसी है, कैसी, अगर इसको हम लोग दूसरा नाम दें तो हम लोग कहेंगे कि डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट या फिर आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट, बिकॉज जब ये डिसोसिएट करता है तभी इसकी आयोनाइजेशन होती है ना, तभी ये आयन्स में टूटता है. आयोनाइजेशन मतलब कि डिसोसिएटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इनटू आयन्स, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन. तो यहाँ पर ये आयोनाइजेशन हो रही है, राइट, तो इसके जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है इसको हम लोग KC कह सकते हैं, KC, और इसी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को हम लोग आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं. अच्छा, अब मैंने शुरू में हेडिंग में लिखा था KA, KB एंड KW, अब ये क्या है, आपको पता है कि ये एक एसिड है, राइट, सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट और आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ अ वीक एसिड इज नोन एज KA, एग्जैक्टली, ए मीन्स एसिड, दिस ए मीन्स एसिड. इसी तरह से अगर यहां पर बेस होगी तो यहां हम लोग KB लिखेंगे, और ये जो KW है इट्स द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट्स इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय KA एंड व्हाट डू यू मीन बाय KB. तो जो KA की जनरल इक्वेशन है, KA की, इट्स इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड. एसिड को हम लोग यहाँ पर HA से शो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी रेज दिस HA, एंड सिमिलरली जो KB है उसकी भी इस तरह से इक्वेशन होंगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस है बिकॉज ये एसिड था, यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड होगा, यानी कि M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव upon concentration of MOH. So this is KB and this is KA. I hope so कि आपको ये चीज़ concept, ये concept समझ आ रहे होंगे. एक और बात, ये जो KA है इसको आपने गांठ बांध लेना है, because further जाके हम लोग हर चीज़ में इस KA को discuss करेंगे. अगर आपने buffer discuss करना है तब आपने इसको discuss करना है, अगर आपने amino acid discuss करना है तब आपने इसको discuss करना है, अगर आपने enzyme discuss करना है तब आपने इसको discuss करना है. This KA is very important. In short ये याद रखें कि KA ये बताता है के कोई भी सब्सटेंस अपना प्रोटॉन कब लूज करेगा और कब एक्सेप्ट करेगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PKA, PKB और PKW को डिस्कस करेंगे, विच इज लिंक विद द एग्जैक्टली pH कंसेप्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है नेक्स्ट वाला, लाजमी देखिएगा. अगर आप ये कंसेप्ट रॉन्ग भी हैं तब भी देखें, आपका रिव्यू हो जाएगा. ये बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट लाजमी होंगे जो आपने शायद पहली मरतबा सुने होंगे, राइट. सो तो यहाँ पर ये जो PKA है
और पीएच है, इन दोनों का जो रिलेशन है, यानी फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि जो पीकेए है वो एसिड से छोटा होता है, कभी कभी बड़ा होता है और कभी कभी इक्वल होता है. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वालिटी, लेस देनिटी और या फिर ग्रेटर देन, मतलब कि छोटे होने पर, बड़े होने पर या इक्वल होने पर प्रोटॉन लूज होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. लेकिन अब इस वीडियो का एक लास्ट कंसेप्ट जिसको आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको आप लोग अगर शॉर्ट टर्म में बात करूं तो उसको आप लोग अल्फा कहते हैं. अल्फा जो अक्सर मैं जिक्र करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो अल्फा ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो 1 था और जो अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो 0.05 या उससे कम था. तो व्हाट दिस अल्फा इज, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या इन शॉर्ट अल्फा, इट मींस दैट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स डिसोसिएट्स पर मोल. व्हाट इट इज, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट डिसोसिएट्स पर मोल, डिसोसिएट्स पर मोल. यानी कि अगर एक रिएक्टेंट के एक मोल हैं तो उस एक मोल में से कितने मोल उसके प्रोडक्ट में डिसोसिएट होंगे. अच्छा, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, राइट, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका जो अल्फा होता है, अल्फा वो 1 होता है, मतलब कि उनके एक मोल था और एक का पूरा मोल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. यानी कि फॉर एग्जांपल जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये था और जब रिएक्शन एंड हुआ तो ये था, मतलब कि 1 मोल था, 1 मोल चला गया. यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कितने मोल डिसोसिएट हुए एक मोल में से, एक मोल था पूरा, एक मोल चला गया, राइट. और अल्फा जो मिनिमम होता है वो 0 होता है, यानी दिस इज मैक्स, दिस इज मिनिमम. और 0 का मतलब क्या होता है कि एक भी मोल डिसोसिएट नहीं किया है. फॉर एग्जांपल इसका कंसेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं. एग्जांपल ये है, एक प्रॉब्लम है बेसिकली, आपने उसको, उसका आंसर आपने बताना है. मैं यहाँ पर पहले प्रॉब्लम लिखूंगा, फिर आपने आंसर खुद फाइंड करना है, देन फिर मेरे सोल्यूशन को देखना है. कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, अच्छा पहले बता रहा हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए यू गॉट 5 मोल्स ऑफ फॉर एग्जांपल अ सब्सटेंस व्हिच इज ए बी, ठीक है, और उसका जो अल्फा है वो 0.4 है, मतलब कि आपके पास 5 मोल हैं ए बी के, ए बी एक सब्सटेंस है और इसका जो अल्फा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.4 है. तो ये पूछ रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम हाउ मैनी मोल्स डिसोसिएट्स, राइट. अच्छा, सो 5 थे, ठीक है, और इसका अल्फा जो है वो 0.4 है. फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है, इसने टूटना था चूंकि रिवर्सिबल है तो हम लोग, अच्छा सो ए बी था, इसने टूटना है किसमें, ए पॉजिटिव में और फॉर एग्जांपल बी नेगेटिव में, ठीक है. अच्छा, सो यहाँ पर जो अल्फा है वो कितना है, 0.4, मतलब कि एक में से 0.4 जाएगा. सो 5 में से कितने जाएंगे, सो 5 × 0.4, ठीक है, आंसर विल बी 2 मोल्स. यानी कि अगर इसका जो अल्फा है वो 0.4 है, ठीक है, और इसके 5 मोल इनिशियल थे, तो इसके 2 मोल्स डिसोसिएट करेंगे और कितने मोल बचेंगे, 3 मोल्स. सो दैट वॉज इट विद टूडेज लेक्चर. आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो रिवीजन है एक तरह का, ये आपको सही रहा होगा. एंड यू हैव लर्न समथिंग एंड यू रिवाइज समथिंग बेसिकली फ्रॉम दिस लेक्चर. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय.